दरभंगा बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनने के उपरांत पहली बार नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी का मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में आगमन हुआ। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिठौली चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। वहां से नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी रथ पर सवार होकर रोड शो करते हुए दरभंगा पहुंचे। वहीं बिठौली से दरभंगा आने के क्रम में रास्तों में जगह जगह लोगों ने हरी सहनी का अभिनंदन करते हुए जिंदाबाद का नारेबाजी की है। अभिनंदन समारोह में मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद थे। वहीं प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी ने कहा कि शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी पैतृक जिले में आया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने मेरे कंधे पर जिम्मेदारी है उसे मैं पूरा करने का काम करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध हत्या लूट और बलात्कार की सरकार बन चुकी है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना पूरा ऊर्जा लगाऊंगा। बताते चले कि हरी सहनी दरभंगा के मूल निवासी है। उनका जन्म 2 मार्च 1964 को हुआ। हरी सहनी वर्ष 1990 से 2000 तक पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भाई ये पद तो कहीं भी जा सकता था, लेकिन यह नसीब दरभंगा संगठन को ही मिला, इसलिए आज हर्ष का विषय है। इसलिए आप सबों से विनती करता हूं, कामना करता हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ आप हृदय से, मैं बोलते रहता हूं मिठाई का डब्बा हो लेकिन उसमें मिठाई रहेगा तभी मुझे आनंद मिलेगा, तो आप शुभकामना दे लेकिन हृदय में प्रभु को स्मरण करके आप हमें शुभकामना देंगे तो मुझे काम आएगा और फिर उसी शुभकामनाओं के माध्यम से उसी शुभकामना पूरे अपने इस तो मैं गृह जिला में आया हूँ लेकिन पूरे बिहार में घूम घूम कर शुभकामना पाकर और शक्ति संग्रहित करूँगा और बिहार में जनता के मननकूल के मन में है कि वर्तमान सरकार अभी बिल्कुल ही हत्या लूट बलात्कार की सरकार बन चुकी है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में अपने ऊर्जा को पूरा पूरा लगाऊंगा। बस इसीलिए आज के दिन मैं सिर्फ आपसे शुभकामना का अपेक्षा रखता हूँ।